बॉलीवुड 70mm की दुनिया में आना और आकर छाना बहुत मुश्किल है। 1980s का जो दौर रहा वो सिनेमा का डेथ का वो दशक था। थिएटर्स की हालत बहुत खस्ता थी। हम साउथ इंडियन फिल्म्स का रीमेक कर रहे थे तो फिल्मों का एक स्तर बहुत गिरा। उसके बाद एंड ऑफ 80s जो शुरुआती दौर 90s का रहा पोस्ट लिबरलाइजेशन, एक नया हीरो पैदा हुआ शाहरुख खान। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंडियाज फेवरेट स्टार एंड अनस्टॉपेबल लिविंग लेजेंड एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड फैसिनेटिंग एक्टर्स इंडियाज एवर सीन। ही बिलीव्स इन अ प्रेयर दैट सेज नसरून मिन अल्लाह वफा कबूल करीब, व्हिच इज अ प्रेयर दैट सिंपली सेज गॉड कीप विक्ट्री क्लोज एंड गॉड नोज नोबडी ओन्स विक्ट्री लाइक ही डज। एक्चुअली इतने सालों में मैंने जो भी किया है उसमें मेरा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं जो भी जहां भी हूं जिस मुकाम पे भी अपने फैंस की वजह से, अगर मेरे फैंस नहीं तो मैं कुछ भी। आई एम फ्रॉम दिल्ली। मेरा जो पहला घर था डीडीए कॉलोनी में। आपके वालिद साहब क्या चाहते थे कि आप क्या बने? उन्होंने कभी ऐसा बोला नहीं, लेकिन एक दो बातें बोलते थे, काम करो और ना करो तो वो भी ठीक है, क्योंकि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। आई रिमेम्बर उन्हें कैंसर था तो वो ठीक हो गए ऐसा कहा गया, मुझे मालूम नहीं पड़ा। माई मदर वोक मी अप एंड शी सेड पापा इज इन द हॉस्पिटल। उनके पैर मैंने देखे और वो बहुत ठंडे थे जब मैंने उसे हाथ लगाया एंड ही हैड पास्ड अवे। When I came to Mumbai to work, I had lost everything in my life. No place to live. मुझे किराए का घर लेना पड़ा, मेरे पास पैसे नहीं थे, so I remember Rajiv called me and gave me money for my किराया of my house. और फिर मैं एक डायरेक्टर से वहाँ पे मिला तो उन्होंने मुझे पहली बात बोली थी, उन्होंने कहा यार तुम बड़े इंटरेस्टिंग एक्टर हो, यू आर अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टर। तो जी तुम इतने अगली हो मैं तुम्हें किसी भी रोल में डाल सकता हूँ। चल बाबा जा, इस भूलभुलैया में अटक गया ना तो पता भी नहीं चलेगा काले के सफेद कब हो गए। अरे टोपी वाले भाई साहब, मैं यहाँ पर जाने के लिए नहीं आया हूँ, एक दिन अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊंगा। हाँ तो मुझे लगा यार मैं हीरो नहीं बनूंगा, मैं कहता हूँ मैं नेगेटिव रोल करता। मैं तुम्हें आजाद कर रहा, मुझे माफ कर देना। अगर नाम लूंगा तो वो आई लव यू किरण बदनाम हो जाएगी। मैं कभी नहीं हारता शिवानी। बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल जीतने के बाद सुपरस्टार्स के दौर में सबको पीछे छोड़कर आगे निकलने वाले शाहरुख। तो शाहरुख खान फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग एन अवार्ड, हमेशा अवार्ड इन फिल्म इंडस्ट्री, दिस वन फॉर यू भाई। वो दिल्ली से आया है, उसने टीवी किया है और टीवी करने के बाद इस मुकाम पर पहुंचा है। स्टार्स बहुत सारे हैं, इनको शाहरुख खान। Is your competition also younger actors like Ranveer, Imran? I've not come here to compete. I've come here to rule. मैं हमेशा बोलती हूँ कि और किसी के साथ रोमांस नहीं कर सकते जैसे शाहरुख रोमांस करता है। मतलब उनका नाम ही रोमांस है। प्यार दोस्ती है। मुझे सबसे ज्यादा पसंद तुम्हारी ही आंखें। मैं यहाँ तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने के लिए आया हूँ और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा तभी जब तुम्हारे बाबूजी खुद तुम्हारा हाल मेरे हाथ में देंगे।
जरूरत पड़ने पर एक बार नहीं, दस बार नहीं, सौ बार नहीं, हजार बार मैं उस आग में कूद जाऊंगा जिसमें शांति। आई ऐसी रात है जो बहुत खुशनसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना। जारा से कितनी मोहब्बत करते। I love you, I love you very very much। बाबूजी ने कहा, जब ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब। एक दिन आएगा जब वो कहा बेस्ट फ्रेंड। जो स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते ना दिखाई देते, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया। मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करता हूँ, मरते दम तक प्यार करता हूँ। उसके बाद उनके स्वभाव में, उनके काम करने के तरीके में एक बहुत ही सहूलियत है, एक बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं वो। The most hardworking human being, forget an actor or a hero. I think Shah Rukh's energy is what is his most appealing quality. My reason of becoming an actor. Yahan pe to Shah Rukh Khan is my favorite, my inspiration. Hum jaise insaan jo koi cinema se matlab nahi hai. Mr. Shah Rukh Khan. Mr. Shah Rukh Khan. Usne us jagah pe khade hokar dikhaya. I'll work so hard that I make sure that all of you get some smiles when you see my film. ये आज की बात नहीं शाहरुख, 22 साल पहले जब आपकी अदालत में आए थे तो मुझे ध्यान है उस समय आपने कहा था कि व्हाट इज बेटर इज टू से दैट यू आर द बेस्ट, नॉट बॉदर अबाउट अदर्स। मैं कभी कंपैरिजन नहीं करता, आप जैसे हैं वैसे हैं, आप बहुत ही बढ़िया हैं, आप ग्रेटेस्ट हैं, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा बेटर हूं। अभी भी आप मानते हैं कि अगर सबसे बड़ा है तो वो शाहरुख खान है? आई एम अ फैन ऑफ शाहरुख, ही इज एन एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्टर। थ्रू हिज फिल्म वर्क ही इज known now as a global icon. Giant movie star. Perhaps the world's biggest movie star. Mega, mega global superstar. Forbes have called him one of the biggest movie stars in the world. The world's biggest movie star. One of the world's biggest movie star. Some people would say he is the biggest movie star in the world. The most popular movie film star in the world. Hollywood legend. Iconic people such as Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan. Go to the movies and applaud actors like Shah Rukh Khan. तो दुनिया मानती है मैं। SRK's worst movie. Shah Rukh Khan has been going through a rough patch in his career for the past couple of years, with his films failing to create magic at the box office. पहले जैसे अब Shah Rukh Khan ने बात नहीं रही। एज के साथ उनको भी रुक जाना चाहिए, हो गया उनका टाइम। एज आ गई है, कंफर्म हो गया। सबका टाइम होता है, Shah Rukh Khan का टाइम भी अब खत्म हो चुका है। Whether the actor is taking a back seat, whether he will return, and more importantly, can he ever get back into his original groove like the mid 2000s? शेर की सांसें उसके दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती है। द बादशाह बॉलीवुड वाज स्पॉटेड एट यशराज स्टूडियोज। 3 सालों से शाहरुख खान खामोश रहे, इस खामोशी को काफी लोगों ने उनकी कमजोरी समझ लिया था। इफ यू थ्रो मी टू द वुल्व्स आई विल कम बैक लीडिंग द पैक। मालूम है कब से कह रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। And there was a lot of negativity. Some of the critics were very personal about my midlife crisis. I will do stuff which I want to, and I will do it all my life. And if you guys have a problem, I just want to tell them, go to hell. जल्दी मिलते हैं। What happens then? Ready? Donkey. Donkey नहीं शाहरुख, donkey. ख्याल आता है कि वन डे आपकी ये शोहरत किसी और के नाम होगी, किसी और का नाम सुर्खियों पे होगा, आपसे ज्यादा कामयाब होगा? ऐसा होगा ना,
I'll tell you honestly. हाँ ऐसा बोल दो बोलो ना I'm the last of the stars. You're the last of the stars. आपने मन्नत को हकीकत बनाना सिखाया है आपने लोगों को सपने पूरा करना सिखाया है प्यार का मतलब दुनिया को समझाया है बॉलीवुड कई लोगों की पहचान है आपने दुनिया में बॉलीवुड की पहचान बनकर दिखाया है आप रेत पर लिखा नाम नहीं जिसे लहरें मिटा दें आप वो नाम है जो दिल में छपा है जिसे कोई मिटा नहीं सकता इस दुनिया में आप जैसा दूसरा किंग कभी नहीं आ सकता